मिथुन राशि वालों, इस समय ज्योतिषीय बड़ी घटना घटित होने जा रही है और उसका अहम प्रभाव आपकी राशि पर पड़ने जा रहा है। जी हाँ, 5 दिसंबर 2021 से आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है, क्योंकि धन, राजनीति, भूमि, राजा, खनिज पदार्थ, शरीर, अधिकार और साहस के कारक देव सेनापति मंगल ग्रह 5 दिसंबर 2021 से द्वितीय गुरु शुक्र के घर से निकलकर खुद अपने स्वयं के घर में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहां से ही बड़ा चेंज होना शुरू हो जाएगा। मैंने नवंबर में भविष्यवाणी की थी कि शेयर बाजार में बड़ा उलटफेर होगा, देश की राजनीति में बदलाव होगा, तो 100% यह सच होता जा रहा है। आज भी मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि 5 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी के बीच में अब जल्द ही देश में कुछ बड़ा होने की संभावना बढ़ गई है। यह समय में देश की सेना के शौर्य में इजाफा होगा, हथियार और आयुध पर निवेश बढ़ेगा, तो औद्योगिक वस्तुओं की स्टॉक में बढ़ोतरी होगी, आंदोलन जैसी स्थितियां बनेगी, तो विपक्ष में आपसे कलह की स्थिति बन सकती है, वायु दुर्घटना होगी, तो देश को किसी बड़े व्यक्ति को खोना पड़ सकता है। इसके साथ साथ इस महीने में 4 राशियों को विपरीत फल प्राप्त होगा, लेकिन इस बीच में सबसे बड़ा लाभ 8 राशियों में से मुख्य मिथुन राशि को मिलने जा रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल लाभ भाव एवं जय भाव के लोड होकर वही पर स्थित है, तो मंगल की एक पाद दृष्टि आपके खुद के आकस्मिक धन भाव और पराक्रम भाव पर पड़ रही है, जिसके ही कारण मंगल के राशि परिवर्तन पूर्ण रूप देकर आप चौंक जाएंगे। आइए जानते हैं मार्स ट्रांजिट इफेक्ट इन जेमिनी राशि। मिथुन राशि वालों, मंगल का राशि परिवर्तन आपके 6ठे भाव में हो रहा है, यानी कि जय के भवन में हो रहा है, जिसके कारण 5 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी के समय आपको सुख संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन एवं भौतिक सामग्रियों से लाभ मिलने लगेगा, क्योंकि मंगल स्वयं उनके प्रदाता है, तो साथ में वह आपकी कुंडली में लाभ और भाग्य भाव के लोड होकर भी विराजमान है, जिसके कारण इस अवधि में जहाँ पारिवारिक और विवाहित जीवन में सुख मिलने का प्रारंभ हो जाएगा, जहाँ जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव था तो वह दूर हो जाएगा। जिनके आयुष्य आरोग्य में बाधा आ रही थी या फिर मुश्किलों से जूझ रहे थे, शरीर संबंधित तकलीफ हो रही थी, उनकी स्वास्थ्य संबंधित चिंता दूर होगी। मंगल की वृश्चिक राशि में प्रवेश कर से मात्र ही करियर और कारोबार में अच्छे फल प्राप्त होने लगेंगे। इस दौरान आपकी कई सारी रुकी हुई योजनाएं आगे बढ़ेगी, लंबित मामले पूर्ण होंगे, तो शासन प्रशासन से जुड़ी मंजूरी मिलेगी। आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो इच्छित जगह पर निवेश करने का मौका मिलेगा, या फिर आपने पुराने समय में कहीं पर निवेश कर रखा है उनका भी इस गोचर में लाभ प्राप्त होगा, चाहे वह गोल्ड के रूप में हो, करेंसी के रूप में हो, जमीन जायदाद एवं शेयर बाजार में निवेश के रूप में हो, लाभ मिलेगा। इस दौरान आप अपने बुद्धि कौशल से करियर के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए, धार्मिक आयोजनों का कार्य कर रहे हैं, उन्हें इस समय अच्छा खासा लाभ होगा। इस वक्त आपको पद प्रतिष्ठा के साथ पैसा भी मिलेगा, आपकी वाणी में प्रभाव बढ़ेगा, तो मंगल के गोचर में आपको बड़े पद से नवाजा जा सकता है, किसी महत्वपूर्ण जवाबदारी प्रदान की जा सकती है, तो वही शिक्षा से जुड़े जातक, मेडिकल से जुड़े जातक, इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से जुड़े जातक विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मंगल कुंडली में शुभ स्थान में विराजमान होकर जातकों को धन देता है, पद देता है, प्रतिष्ठा देता है, आर्थिक रूप से लाभ देता है, तो वही दाता तांबू, रत्न एवं रियल एस्टेट, लकड़ी के कारोबार के कारण इस समय उनसे जुड़े हुए लोगों की जिंदगी भी बदल सकता है। मिथुन राशि वालों, कुंडली में कई ऐसे ऐसे पाप ग्रहों की युति बनती है जो जातक की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देती, इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। सबसे बड़ा लाभ इस समय नौकरी पेशा जातकों को नौकरी के लिए अब पहले के मुकाबले अच्छे और सुनहरे अवसर के रूप में मिलेगा। जी हाँ, इस समय आप अपने टास्क समय पर पूर्ण कर पाएंगे तो आपके प्रतिष्ठान में इजाफा होगा। भाग्य का सहयोग मिलने से आपको वेतन में वृद्धि मिलेगी, तो आपको नया पदभार भी सौंपा जाएगा। यदि आप जॉब बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो वह बदल सकते हैं। खासकर विदेश से संबंधित लाभ होगा, विदेश में जाकर कार्य करना चाहते हैं तो कार्य मिलेगा। इस वक्त नौकरी में प्रमोशन के साथ परिवर्तन का भी योग बन रहा है, जो आपको नौकरी के अलावा नए व्यवसाय से लाभ देगा, बिजनेस से जुड़ने का मौका देगा। यदि आप बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय अजनबी दोस्त के माध्यम से आपको मौका दिया जा सकता है, यहाँ तक आपको ससुराल पक्ष से भी लाभ हो सकता है। सबसे बड़ा लाभ आपको वर्षों से दिल में पड़ी कोई महत्वपूर्ण इच्छा आकांक्षा पूर्ण होने से मिलेगा, जिसके कारण आप परिवार के बाकी सदस्यों के साथ भी लाभ प्राप्त करेंगे।
यदि पैतृक संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो वह मिलेगी। आप पुरानी प्रॉपर्टी जमीन मकान बेचना चाहते हैं तो अच्छे दाम पर बिकेगी। यहाँ तक मंगल इस वक्त अपने घर से दूर विराजमान जातकों को भी लाभ देगा। मध्य एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूरोप, अफ्रीका या फिर अमेरिका में जो स्थित है उन्हें इस वक्त विशेष लाभ मिल सकते हैं। धन लाभ होने के संकेत है तो अधूरे कार्य भी पूर्ण होंगे, नया रास्ता मिल सकता है। मंगल इस वक्त शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगा। राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार से आप जुड़े हुए हैं तो आपकी स्थिति को और मजबूत कर सकता है। प्राइवेट क्षेत्र में विराजमान जातकों को भी गुप्त जरिए से धन लाभ दिलाएगा। रोजी रोजगार में वृद्धि होगी तो आमदनी में इजाफा होने का प्रबल संकेत मिल रहा है। मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाना आसान होगा तो 25 दिसंबर से परिवार के संग आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। विदेश योग के साथ यात्रा का योग बन रहा है। इस वक्त जिनकी कुंडली में मंगल दोष है उनके विवाह में बाधा आ सकती है, प्रणय संबंध टूट सकते हैं, तो इसके साथ साथ आप में क्रोध, चिड़चिड़ापन एवं ईर्ष्या की भावना बढ़ सकती है, तो रक्तस्राव, गर्भपात एवं हृदय श्वसन संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। इसलिए संभल कर रहे भगवान दत्त महाराज आपकी मनोकामना पूर्ण करें, यही हम कामना करते हैं। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।